नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूँ सुनील राउत। इस वक्त हम गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उनवल क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर रवि किशन जी का एक रोड शो होना था, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि रोड शो को कैंसिल कर दिया गया है। क्या वजह रही? हमारे साथ बीजेपी के एक स्थानीय नेता है, वो बताएंगे क्या किस वजह से कैंसिल कर दिया गया। हम लोगों को जानकारी मिली है, मदनपुरा में उनकी सभा चल रही थी, चुनाव आयोग ने रोक लगाया, काफी उनकी गाड़ियां हो गई है, 150 गाड़ियां हो गई है, इसके वजह से रोक लगाया गया। अभी संगठन के माध्यम से उनकी जानकारी मिली है और कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, नेक्स्ट टाइम में कार्यक्रम। आपने तो बहुत, मुझे लगता है 4 बजे का वक्त था, यहाँ का 4 बजे का टाइम मिला था तो लेट हो गई थी, जगह 15 मिनट का समय मिला था, लेकिन उसके एक्चुअली में क्या हो रहा है, 1-1 घंटा लग जा रहा है, कहीं आधे घंटे का या 1 घंटे, और सारे 1-1 लोगों से उनका मिलना हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी उनके आगे के रोड शो। हाँ, आगे के रोड शो में 5 बजे तक ये था, 5 बजे तक ही लगाएंगे, उसके बाद रोक लग गया। अच्छा अच्छा, तो अभी वो वापस, हाँ वापस, तो क्या फिर आएंगे यहाँ पे कभी? हाँ, नेक्स्ट टाइम आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में आएंगे, कल या परसों। उनका हमारे बाबा जी कुछ बोलना चाहते हैं, सर। हम भूतपुर सैनिक है और मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया और बहुत सारा काम किया, सैनिकों के लिए भी किया है और हमारे विकास के लिए, जो हमारे जिला है, जिला के विकास के लिए बहुत किया, देश के लिए किया। मोदी जैसा कोई किसी ने कभी नहीं, 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन लटका हुआ था, लेकिन मोदी जी ने आते ही उसका लागू कर दिया। नहीं, लेकिन थोड़ा सा मामला, यहाँ पे हम स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे थे, स्थानीयता वाला मुद्दा आ रहा है, कह रहे कि रवि किशन लोकल नहीं है। रवि किशन लोकल क्यों नहीं है? लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बड़लगंज के ही मांगखोर के तो हैं, मांगखोर यही बड़लगंज के पास है, स्थानीय यहाँ के गोरखपुर के प्रत्याशी। विपक्ष विपक्ष का है, लेकिन भाजपा के लोग कभी नहीं कह रहे हैं, यही के हैं। तो ये जैसे हम बात करें, अब पता नहीं हमें विपक्ष है क्या है, वो तो हम जनता से बात की, उन्होंने कहा कि हम तो स्थानीय प्रत्याशी को वोट करेंगे। नहीं, स्थानीय वो भी है, बड़लगंज के ही है, हमारे बीच के है, ये अलग के नहीं है। हम लोग तो फिर हर हर मोदी के, रवि किशन जी के पास मोदी को देना, मोदी को ही कोई भी कमल खड़ा करता है, हमारा कमल देख के दे रहा है, कमल को मोदी योगी कमल निशान। शौचालय है, आयुष्मान भारत से कार्ड मिला, बिजली फ्री हुई, गैस फ्री हुआ, सब कुछ हुआ। देखिए, जितने भी एक्टर लड़ते हैं यहाँ से, इस क्षेत्र से, उन लोगों का पराजय जरूरी हो जाता है। अच्छा। पिछली बार मनोज तिवारी लड़े थे, वो भी हार गए थे। इस बार हमारे यहाँ है माननीय रवि किशन, मुंबई बॉलीवुड से। तो आप सोच सकते हैं, जनता का मूड अभी इस समय तो कुछ है नहीं अच्छा, और ना ही मैं इस बार 80% हारते हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम एसएन वर्मा है। एसएन वर्मा है, तो क्या मतलब, क्या वजह, क्या देख रहे हैं आप, क्यों भारी है इसलिए? भाई, मुद्दों पे बात कहाँ आ रही है? आम चाकू से काट के खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, इस तरीके की डिबेट हो रही है भैया। अब बताओ, जिसका इंटरव्यू आम चाकू से खाते हैं, चूस के खाते हैं, हाथ से काट के खाते हैं, कोई मुद्दा हुआ है? ऐसा होता है और मीडिया मीडिया भी आप देख रहे हैं कि एक तरफा हो गई है। नहीं, तो आप क्यों नहीं, जहाँ भी आपको पहुँचना चाहिए वहाँ आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। आम जनता की ओपिनियन यहाँ पे आप पूछिए, गमछा ला रही हो, सब पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। ठीक ठीक, हम आपसे भी पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं। अरे जय अखिलेश बोलिया, अखिलेश बार अखिलेश सरकार, विपक्ष भी होना चाहिए, बिल्कुल। जब मुद्दे काम नहीं होगा तो विपक्ष वाली पार्टी आएगी आगे, युवाओं को रोजगार में रोजगार। मोदी 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 आ रहे हैं, मोदी आ रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी फिर आएंगे, मोदी आएंगे, आएंगे। Oh,
फिर से मोदी आएंगे फिर से मोदी। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर पानी पिए बुला दो पानी पिए जा उन्वल क्षेत्र में, उन्वल क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एकदम माहौल गर्म है। एक तरफ कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि मोदी गठबंधन आएगा, कोई कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बनेगी। इंतजार 23 तारीख का करना होगा कि पिटारा खुलेगा, यहाँ की जनता किसके पक्ष में वोट देती है। देखते रहिए वीके न्यूज़।